वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना खान आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं लेके आई हूँ आपके लिए फिश करी की रेसिपी। फ़िश करी बनाना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसे बनाएंगे तो आपकी फ़िश करी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी फ़िश करी बनके रेडी हुई है, और इसे मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो कुछ टिप भी मैं इसके साथ आपको दूंगी फ़िश करी बनाने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये 700 ग्राम्स यानी 700 ग्राम फ़िश ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं, और इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून एक छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 चम्मच ले रही हूँ दही, और इसे हाथों से बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो पहला प्रोसेस है इसको मैरिनेट करने का। सबसे पहले हम मछली को, फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया है, नमक और आटे के साथ मैंने इसे क्लीन किया है, और उसके बाद मैंने इसे 2-3 बार बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और उसके बाद हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है, स्ट्रेनर में रख दिया था मैंने एक छलनी में इसे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैरिनेशन का प्रोसेस सबसे पहले हम करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से हाथों से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक के मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जिससे हमारा मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लग जाए। और यहाँ पे हम मसाला बनाएंगे ग्रेवी के लिए। तो मैंने 1 प्याज ली है, 2 टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के, 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, और 2 छोटी चम्मच लिया है मैंने लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन की कुछ कलियाँ छील के, तकरीबन आप 15 से 20 कलियाँ लहसुन की छील के और इसे इन सब चीज़ों के साथ ही मिक्स करके पीस लें। तो मेरे पास यहाँ पे पेस्ट रखा हुआ था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम एक मिक्सी के जार में ये सब चीज़ों को काट के पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पे रफली चॉप कर रही हूँ सारी चीज़ों को, एक साथ ही पीस के हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और अगर आपके पास अलग अलग मसाला तैयार है, टमाटर प्यूरी अलग है, प्याज का पेस्ट अलग है, लहसुन का अलग है, तो आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं इसे। मैं यहाँ पे एक साथ ही इसको पीस रही हूँ। इसी में मैं ये गार्लिक का पेस्ट जो है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर लूँगी, और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है ये, 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ले रही हूँ, और इनको पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने 10-12 काली मिर्च ली हैं, 3 से 4 मैंने लौंग ली हैं, और ये लिया है दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, इसको भी मैं इसके साथ मिक्स करके पीस लेती हूँ। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है फ़िश करी बनाने के लिए। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया है इसको। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसकी जगह पे बेसन का यूज़ भी किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच और 1/2 चम्मच यानी कि 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है ये कॉर्नफ्लावर का पाउडर, और इसके साथ मैं मैरिनेट कर रही हूँ, अब इसे मिक्स कर रही हूँ। तो हमने 1 घंटा इसे फ्रिज में रखा है फ़िश को मैरिनेशन के बाद, और उसके बाद निकाल के हमने इसमें ऐड किया है ये कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है, जब इसमें से हल्का सा धुआं निकलने लगेगा बिल्कुल उस स्टेज पे हम फ्राई करेंगे अपनी फ़िश को। तो हम फ़िश को यहाँ डाल देते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा जो फ़िश है वो बहुत ही क्रिस्पी सी फ्राई होकर तैयार होगी। फ़िश को हम 1 मिनट के लिए एक साइड से, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, उसके बाद पलट लेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखो मैंने थोड़ा सा जल्दी पलट दी है, तो बाकी की ये देखिए बहुत क्रिस्पी हो गई नीचे से। इस तरह से हम इसको
पलट लेंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे, तकरीबन एक मिनट हम वेट करेंगे और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से बीच बीच में हम इसे पलटते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी फ़िश जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और फ्राई करूँगी मैं इसे। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी जब हो जाएगी हमारी फ़िश तभी हम इसे निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और ये देखिए मैंने फ्राई करके जो रखी हैं वो बिल्कुल इस तरह से आप फ्राई करके रखें। तो मैंने सारी फ़िश को जो है फ्राई कर लिया है और बिल्कुल इस तरह से आप क्रिस्पी होने तक फ्राई करें इसको, ये देखिए। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है मस्टर्ड सीड्स, 1/4 टीस्पून लिया है मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना, मेथी दाना और जीरा, ये सब 1/4 टीस्पून एक चौथाई चम्मच लेके मैंने मिक्स करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऑयल हमने वही यूज़ किया है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था और थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है ऑयल। जैसे ही ये सब चीज़ें चटकने लगेंगी वैसे ही हम इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा है वो ऐड कर लेंगे और इसको कवर करते हुए इस तरह से जिससे आपके ऊपर तेल के छींटे ना पड़े, बहुत ही केयरफुली आप इसे बनाएं। अब मसाले को हम भून लेंगे। मसाले को ये जो मिक्सी है, मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा मसाला था उसमें मैंने पानी डाल के थोड़ा सा इसको पानी में डाल दिया इसमें मैंने, और अब इसको हम भून लेंगे। तो मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है तभी हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसको हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारा ये मसाला भुन के रेडी होगा। तो इसको चलाते हुए हम पका रहे हैं, थोड़ी देर इसे चलाते हुए पकाएंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसे चेक करेंगे। तो इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और ये देखिए ग्रेवी हमारी, जो मसाला हमारा है वो पहले से थिक हो गया है तो ये कम्प्लीटली अभी पका नहीं है, इसको और पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हम इसे कवर करके रखेंगे। कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से छींटे आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसको कवर करके आप इसे पकाएं, अदरवाइज़ ये छींटे जो हैं आपके ऊपर आने लगेंगे मसाले के। और ये देखिए पहले से हमारा मसाला काफ़ी थिक हो गया है लेकिन अभी कम्प्लीटली पका नहीं है। इसे चलाते हुए मैं 3 से 4 मिनट के लिए और भूनूंगी। ये देखिए भूनने के बाद हमारा मसाला इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से मसाला हमारा हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग जैसी ग्रेवी आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। मैं इसे यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब पानी में बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो कवर करके मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। तो 2 मिनट बाद ये इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे फ़िश के जो पीसेस हैं फ्राई करके रखे थे वो वाले। तो हमने यहाँ पे ऐड कर ली अपनी फ़िश और इसे बहुत ही लाइट हैंड से इस तरह से चलाना है, मिक्स कर देना है। कवर करके अब इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हमारी फ़िश करी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट के लिए इसको पका लिया है और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ़िश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने इसे फ्राई कर लिया था तो ऑलमोस्ट ये पकी हुई थी। 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया हमने इसे, तो फ़िश हमारी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब इसमें हम हरा धनिया डालते हैं बारीक कटा हुआ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रखें जितना आप चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया था। नमक भी आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लें। मैंने यहाँ पे नमक भी एडजस्ट कर लिया है, तकरीबन 1 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पे। और ये हमारी फ़िश करी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने इसे सर्व भी कर लिया है। ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है। आप इस तरह से बनाइए, आपकी फ़िश करी बहुत ही अच्छी बनेगी। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।